गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना करें हैं। स्वागत है आपका फिर से एक बार। वाटर पार्क का ब्लॉग नहीं है इस बार, कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वीडियोस जो है बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके। तो आज मैं आया हूं ना नेहरू प्लानेटोरियम में, नेहरू साइंस सेंटर है, एड्रेस आपके स्क्रीन पर है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है थोड़ा होशियार हो जाए। तो बच्चा होशियार कब होगा? जब आप अपने बच्चों को होशियार बनाएंगे, यानी अगर आप कोई ऐसी जगह पर उन्हें लेके जाएंगे जहाँ पर वो कुछ सीख सकता है। तो ये जो नेहरू प्लानेटोरियम है, यहाँ पर आपका बच्चा जो है, यानी अगर आप बच्चे हो या बच्चे के पेरेंट्स हो, अगर आप यहाँ पर आओगे तो बहुत कुछ सीखने जैसा मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल बता दूं आपको, हम चलने वाले हैं एक यहाँ पर डोम थिएटर है, वहाँ पर हम बहुत अच्छा एक शो देखेंगे, 3D 4D या जो भी होगा। और फिर एक अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, म्यूजियम है, म्यूजियम भी हम देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अपने बच्चों के साथ देख रहे हो तो आप भी देखिए, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे कि हमने नेहरू प्लानेटोरियम जो है 5 साल 8 साल 4 साल या 2 साल पहले देखा होगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल अपडेट आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है, ठीक है, बदल चुकी है। यानी अगर आप अब आओगे देखने के लिए तो आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने के लिए मिलने वाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली मिले। डोम थिएटर की बात कर रहा था जो मैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर भी बहुत कुछ अपडेट किया गया है। मतलब टोटली ओवरऑल अब ये एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो अपने बच्चों को लेकर आइए, और अगर आप बच्चे हो देख रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए। वाटर पार्क एंजॉयमेंट तो आपने बहुत सारी की मेरे साथ में, आज हम कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, चलिए मेरे साथ। नेहरू प्लानेटोरियम आने के लिए आप एड्रेस अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से तो लोअर परेल और महालक्ष्मी, ये दोनों स्टेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो बुक माय शो से, यहाँ पर आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, और यहाँ पर पार्किंग की सेवा भी उपलब्ध है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने अपनी कार जो है यहाँ पे पार्क कर दी है, और कार पार्किंग जो है ना, मैं बता दूँ आपको, वो फ्री है, टोटली आपके टिकट में इंक्लूड होता है। चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो चलिए फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पर टिकट्स वगैरह कैसे क्या प्राइस है। यहाँ से जो है ना एंट्री है, यहाँ से आपको कुछ चेकिंग वगैरह करते हैं, यहाँ से एंट्री करके अंदर बहुत कुछ है देखने ऐसा। और यहाँ पे जो है मेन एंट्री है, जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं या कोई ग्रुप आता है तो यहाँ पर होता है। फिलहाल टाइमिंग बज गया 12 बजे का, हमारा शो है 3D वाला, 3D 4D जो भी अंदर पता चलेगा। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, कुछ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टाइमिंग। तो देखिए यहाँ पर शो टाइमिंग है, शो टाइमिंग जो है 12 बजे का शो है, जो ऊपर 3D में स्टार्स वगैरह सन्स वगैरह दिखाते हैं, मून वगैरह दिखाते हैं। तो 12 बजे वाला जो है हिंदी है, फिर 1:30 बजे मराठी, 3 बजे इंग्लिश, फिर 4:30 बजे हिंदी है। अगर आप 12 बजे वाला मिस करते हो हिंदी वाला, तो आपको 4:30 बजे वापस से आना पड़ेगा हिंदी में देखने के लिए। इस दौरान बीच में आपको कोई शो हिंदी वाला नहीं मिलेगा, मराठी इंग्लिश देखना तो मिल सकता है। टिकट जो है 150 रुपीज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं लिखी हुई, आप पढ़ लीजिए फटाफट, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। और एक और चीज़ है एग्जीबिशन, जो कि वहाँ सामने है, देखिए यहाँ सामने, वहाँ पर भी चलेंगे। फिलहाल थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं आने में। बाकी कैंटीन वेंटीन में अगर आप आना चाहते हो तो कैंटीन का रास्ता जो है यहाँ से, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अंदर फटाक से, कार जो है वहाँ पर खड़े करने गए। पार्किंग फ्री है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप पार्किंग आ रहे हो ना तो टिकट में जो है वो इंक्लूडेड है। चलिए अंदर चलते हैं फटाफट। तो ये देखो नेहरू प्लानेटोरियम मुंबई के बारे में, यहाँ पर कुछ वही चीज़ें वापस से लिखी हुई हैं। और यहाँ पे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ओनली ऑन संडे 7 to 8 में, मतलब आप यहाँ पर आओगे ना तो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, यानी जो टेलीस्कोप है बड़ा वाला है ये वाला, उसके थ्रू हमें ना यहाँ पर कहीं पे तो लगती है, कहीं इस जगह पे कहीं पे, वहाँ से हमें स्टार्स मून जो भी है वो बहुत, मतलब आप फ्री में देख सकते हो उसे अपनी आँखों से। तो फिलहाल ये आ गई है टिकट, और टिकट दिखाते हैं और अंदर चलते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बचपन में एक बार मैं आया हुआ था और अब फिलहाल इतने साल बाद अंदर आया हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कल्पना चावला की, स्टार्स की, मून की, बहुत सारी। और ये देखिए नज़ारा, देखिए ये देखिए, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड टाइम लगाया हुआ है, मतलब किस देश में कितना बज रहा है वो लाइव हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्स की फ़ोटो, यानी मंगल की फ़ोटो, मंगल ग्रह की फ़ोटो। यहाँ पर आप मंगल ग्रह के साथ में अपनी फ़ोटो जो है खिंचवा सकते हैं, जो कि 4K क्वालिटी में है। वो बैकग्राउंड में आप वहाँ पर खड़े होंगे तो आपको लगेगा वाकई में मंगल ग्रह पर खड़े हो। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप अपना अब वजन नाप सकते हैं, कि अगर आप चांद पर चले जाएँ या सूर्य पर चले जाएँ तो आपका वजन कितना होगा। तो फिलहाल पृथ्वी पे मेरा वजन कितना है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ पे, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, कितना वजन है मेरा। तो फिलहाल यहाँ पर पृथ्वी पे मेरा वजन तो 64 किलो है। नाउ लेट्स सी कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, चलिए हाँ 64 है। तो चलते हैं हम सन पे, मतलब सूर्य पे। तो सूर्य पे अगर मैं जाऊँ तो वजन वहाँ पर नापूँ तो मेरा वजन वहाँ पर होगा 1805 किलो,
मतलब 1805 किलो का होऊंगा मैं सूरज पे, और अगर मैं चलूँ जुपिटर पे तो जुपिटर पे मेरा वजन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जुपिटर आप जानते हैं बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है वो। तो जुपिटर पे मेरा वजन जो होगा वो 163 किलो होगा। अब चलते हैं मार्स के ऊपर यानी मंगल के ऊपर। मंगल पर अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर अपना वजन नापने, तो वजन मेरा वहाँ पर मंगल पर होगा 25 किलो। जी हाँ, 25 किलो का मैं मंगल पर रहूँगा, 64 से 25 किलो पे आ जाऊँगा मैं। तो अब चलते हैं हमारे पड़ोसी ग्रह पे यानी मून पे। चांद पे अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा वजन क्या होगा, आइए चेक करते हैं। तो चांद पर अगर मैं अपना वजन नापने जाऊँ तो चांद पर मेरा वजन होगा सिर्फ 10 किलो। जी हाँ, 10 किलो, बस 10 किलो। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो फिलहाल समय हो चुका है कि अब हम चले स्काई थिएटर में शो देखने के लिए, जो जिसके लिए पर्सनली मैं यहाँ पर आया हूँ वो शो देखने के लिए। यानी डोम थिएटर के अंदर हमें आसमान वाली एकदम फीलिंग दी जाती है कि हम आसमान में स्टार्स पे आ चुके हैं, मून के पास आ चुके हैं। जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ इमेजेस दिखाई देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रॉकेट रखा गया है, ऐसे डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखी दिखाई देंगे, चाहे वो पुराने कॉइन्स हो या अदर कंट्री के कॉइन्स हो। और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर आप अपना घर सैटेलाइट में देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर पीसी रखी गई है यानी कंप्यूटर रखा गया है, उसमें आप अपना घर देख सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। और यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ इमेजेस हैं जिनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं या फिर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स के डेमो रखे गए हैं, यहाँ पर इनके बारे में पोस्टर्स पे जो है लिखा हुआ है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ये देखिए, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर है ना एक एस्ट्रोनॉट के कपड़े रखे हुए हैं, यानी पूरा गेटअप रखा हुआ है। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता फ्यूचर का तो मैं कैसा दिखाई देता। और यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट की स्टैचू रखी गई जिसके साथ आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। फ्यूचर में आपका बच्चा हो सकता है एस्ट्रोनॉट बने, वो कैसा दिखाई देगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप उसके साथ फ़ोटो खींच के देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो स्टार्स, मून, सैटेलाइट्स और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें जो है हमें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। बहुत दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं अब डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ हमारे शो की तरफ, यानी जिस थिएटर शो जो हमें दिखाने वाले हैं डोम थिएटर में, वो मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए चलते हैं वहाँ पे। ये देखिए, हम आ चुके हैं थिएटर के अंदर। वाकई में ये इतना बढ़िया और इतना अद्भुत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अंदर एंट्री करते हुए ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, और जो फील आती है अंदर जाने के बाद बहुत बढ़िया। तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि आप जब अपनी टिकट लेते हो वहाँ पर आपकी टिकट पर ही सीट नंबर जो है वो लिखी होती है। आप अपनी सीट्स नंबर देख के वहाँ पर सीट पे भी नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पे आप जाके अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। कौन सी है? मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। यहाँ पर आपको 360 व्यू दिया जाता है, पूरा डोम थिएटर है ऊपर ऐसे दिखाया जाता है। ये देखिए, ऐसे बैठ जाते हैं, आपकी कुर्सी पूरी पीछे मुड़ी आएगी, आप आराम से लेट के देख सकते हो ऊपर। देखिए इस तरह से, ये सब मैं अपने ऊपर आसमान में देख रहा हूँ। मजा ही आ गया। ये देखिए, वो भाई साहब, ओह माय गॉड, ऐसा एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि डुप्लीकेट है या फिर आर्टिफिशियल है, रियल लग रहा है एकदम। ये देखिए, और ये देखिए नीचे इस तरह से माहौल है। डोम थिएटर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से बदल दिया जाता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप वर्चुअल में इस तरह से देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, यानी सुबह शाम दोपहर वो जो भी दिखाएंगे आपको ऐसा लगेगा आप साक्षात सुबह शाम अपनी आंखों के सामने फटफट होते हुए देख रहे हो। ये वाले नज़ारे को देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये मून जो है यानी चांद जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम सीधा आसमान में देख रहे थे और बस ऐसा लग रहा था कि ये
चांद जो है वो हमारे पर ही गिराएगा। पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल और अन्य अनियमितताएं भी हैं, जो आकाशगंगाओं के टकराव का परिणाम है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। टुकड़े पिघलने से बने अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। उम्मीद करूंगा जो भी थोड़ा मोड़ा आपने देखा यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। आप आइए यहाँ पर, आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे करीबन हो गया 8 से 9 साल पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ पर आने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला मुझे मतलब मज़ा आ गया। तो आप आइए ज़रूर और आके ज़रूर देखना यहाँ पर। ये वाला ड्रोन फोटो वाला जो शो है वो मिस मत करना। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पर, वो म्यूज़ियम है, वहाँ पर म्यूज़ियम देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है कितना बढ़िया सा एक छोटा सा रॉकेट जो है, और बच्चे जो है अब यहाँ से अपने घर की ओर निकल रहे हैं। तो देखिए वहाँ से हमने जो है अपनी चेकिंग वगैरह कर ली, और ये जो है म्यूज़ियम है बहुत बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, मैं आया हूँ पहले भी, आप भी आए रहोगे, बट अभी देखते हैं कुछ चेंजेस यहाँ म्यूज़ियम में कुछ हुआ है कि नहीं। म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आप जाएंगे। वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, यानी जब हम पहले आदि मानव हुआ करते थे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पॉज करके, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। ये देखिए अंदर पहले आदि, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है अपने, जब हम आदि मानव हुआ करते थे तो कुछ इस तरह का नज़ारा हुआ करता था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाकर बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आकर देखिए, और यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया है। यहाँ पर दी जाती है 100 रुपीज़ में ईयरफोन्स, आप ईयरफोन्स लगाइए, आप जैसे जैसे लोकेशन पर जाएंगे अपने आप वहाँ पर ट्रांसलेटर है वो आपको बताता जाएगा, यानी गाइड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गाइड जो है हेडफोन के अंदर ही है, वो आपको एक्सप्लेन करता जाएगा कि ये स्ट्रक्चर किस लिए बनाई गई है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या हिस्ट्री रह गई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनाया गया है, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप बस आप वहाँ पर जाइए, अब विज़िट कीजिए और वहाँ पर देखिए क्या है। बहुत ही सुंदर देखने जैसा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंस है और काफ़ी कुछ समझ में आता है हमें। ये देखिए उस टाइम के ज़माने का फ़ोन हुआ करता था, ये कान में लगाते थे और यहाँ से बोलते थे और ये डायल करते थे यहाँ पर। और ये सुंदर सा प्यारा सा घर इनका है, देख के बताता हूँ। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं जेल में, जेल कुछ इस तरह से हुआ करता था। देखिए यह है जेल, तो ये गांधी जी का चरखा जो है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी। यहाँ पर ये दीवार बनाई गई है भारत छोड़ो, तो ये जगह रास्ता दिया गया था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहा था, तो उन्होंने नारा लगाया था भारत छोड़ो क्विट इंडिया। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कहीं भी थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना। उम्मीद करूंगा वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और एक चीज़ और, अगर आप यहां पर आ रहे हो ना तो गूगल में कुछ टाइमिंग जो है वो रॉन्ग लिखी गई है, एक्चुअल टाइमिंग आपके स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो आप उस समय पर आ सकते हो। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, उम्मीद करूंगा आपको भी मज़ा आएगा। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में, या फिर किसी नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ में। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।